अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने बिजली ऑफिस का किया घेराव, कार्यकर्ता रहे उपस्थित। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर कांग्रेस द्वारा बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष अनु श्रीवास्तव एवं नगर मंत्री रिंकू शर्मा ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि जबलपुर ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश बंद होने कितने दिन बाद भी बिजली उपभोक्ता अनावश्यक बिजली कटौती से परेशान है, जिसको लेकर के घरेलू उपभोक्ता, दुकानदार, किसान सभी आए दिन हर वक्त बिजली दफ्तर के चक्कर काटते थक गए, लेकिन बिजली कटौती की समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। मामले का संज्ञान लेते हुए जबलपुर कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ ने सहायक अभियंता कार्यालय मढ़ोताल का घेराव कर कार्यपालक अभियंता ग्रामीण के नाम ज्ञापन सौंपा एवं मांग की कि दो दिन के भीतर अगर बिजली कटौती पर रोकथाम और उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में प्रकोष्ठ उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। इस अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के सवाल पूछने पर सहायक अभियंता सुरजीत महतो ने बताया कि उनके पास मेंटेनेंस इंजीनियर के पद पर कोई भी अधिकारी उनके क्षेत्र में कार्यरत नहीं है, जिस वजह से बिजली उपभोक्ता समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। तत्काल से शर्मा ने अधीक्षक अभियंता ग्रामीण नीरज कुचिया को फोन कर इस समस्या के समाधान के लिए दो दिन का समय मांगा। इस कार्यक्रम में बिजली प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के अलावा पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी, नगर अध्यक्ष अनु श्रीवास्तव, हर्षद यादव, पवन सोनी, मुकेश पटेल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। जितनी भी समस्याएं होती हैं आपको बता दें, आप पूरे समय क्षेत्र में घूमें। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो प्राकृतिक आपदा आती है, एक एक इसको आप झेलने में सक्षम नहीं हैं। इंडिविजुअल जो कंप्लेनें आती हैं उसको आप एंटरटेन नहीं करते। लोगों के ट्रांसफार्मर खराब रहते हैं गांव में, अगर उस ट्रांसफार्मर से 100 कनेक्शन है, अगर दो ने भी बिल नहीं भरा तो पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर आप उठा के बंद कर देते हैं, है ना। एक तरफ आपकी सरकार, जिस सरकार में आप वर्तमान में नौकरी कर रहे हो, वो कह रही है हम किसान है तैसी सरकार है, वो आदमी अनठान में भटकते रहते हैं, करते रहते हैं, पाँच पाँच सात सात दिन सिंचाई नहीं होती, आप तो देखते हैं। ठीक, मेंटेनेंस जीरो है। इंडिविजुअल जो लोगों की कंप्लेन होती है और जो शहरी इलाका लगा हुआ है वहाँ पर, जैसा ये साहिल ने बताया, ऐसी अनेकों समस्याएं रहती हैं, जो तार इधर से जा रहा है या नंबर वो कम बदेगा वो जो भेजा। अब आप सुनिए ना, अब आप अगर क्वालिटी का पैसा ले रहे हो तो क्वालिटी की सर्विस भी आपको देनी है ना। आपने 15 दिन पहले, अब पता नहीं मैंने कुचिया जी को बोला था, कर दियो इंडस्ट्रियल एरिया की जो लाइन है उसमें आपने एग्रीकल्चर लाइन जोड़ दी। एग्रीकल्चर में 10 बार लाइट गोल होती है, उनके उद्योग प्रभावित हो रहा हो। एक की फैक्ट्री है, उसने 250 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया, उसने से 85 का लोड लिया, उसके ट्रांसफार्मर में आपने दूसरे को लोड दे दिया, आप उससे बोलते फिर से ट्रांसफार्मर लगवाओ, तो पब्लिक मूर्ख है क्या? पहले उससे पैसा लगवा के पूरा करवा लिया, वो तो उसका ट्रांसफार्मर हुआ ना। अब जब उसको जरूरत पड़ रही है 20-25 केवी की, तो आप कह रहे हो फिर से ट्रांसफार्मर लगवाओ। ये 250 केवी का ट्रांसफार्मर रखवाया, मैंने 85 केवी का लोड लिया, अभी मेरे को 85 की जरूरत है, 65% कंसीडर करते हो ना, कितना की बचता है? आप 65 करते हो ना, उसमें 10 केवी का 10 का लोड इनको दे दिया, 5 का इनको दे दिया, अब जब 20 की हमको जरूरत पड़ रही है, जब हमने ट्रांसफार्मर लगा है तो हमसे कह रहे हो हम फिर से 10 लाख का ट्रांसफार्मर। नहीं ऐसा नहीं, वो अगर जैसे उन्होंने ट्रांसफार्मर, उनका कहना है कि हम लोड बढ़ाएंगे, हाँ लोड बढ़ाएंगे तो विभाग ये करेगा, वो ही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसमें उसको डरा दिया आपने ट्रांसफार्मर, और एग्रीकल्चर लाइन उस फीडर में आप नहीं जोड़ रहे। आपने एग्रीकल्चर फीडर की लाइन जोड़ दी थी, जिस कारण से 10 दिन 10-10 12 बार।